नमस्कार साथियों, मैं अजय सिंह एमजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए देखिए, हम भारत भूगोल के संदर्भ में राज्यों का क्रम देख रहे थे और राज्यों के क्रम में हमने पिछली वीडियो में मध्य प्रदेश को पूरा का पूरा देख लिया है। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के बाद आपके भारत का जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़े राज्य जिसका नाम है क्या, तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और संपूर्ण जानकारी हम उत्तर प्रदेश की आपके इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, आपके इस वीडियो में जो हम उत्तर प्रदेश के बारे में जो जानकारी देखेंगे, जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, वो आपके केवल इसके गठन और उसके बाद कुछ राजकीय प्रतीक और यहाँ की नदियां और यहाँ के कुछ लोक नृत्य और मंदिरों से ही हम चर्चा करने वाले हैं। आपका उत्तर प्रदेश दो पार्ट्स में आएगा, दो वीडियो में बनाया जाएगा। आज केवल हम गठन से और इसके कुछ प्रारंभिक इतिहास के बारे में ही इसमें चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यहाँ से हम करेंगे गठन से। देखिए, उत्तर प्रदेश आपके भारत का एकमात्र राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा है वो आपका, तो उत्तर प्रदेश है। अब हम बात करें इसकी कि गठन की, कि गठन कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था कब, तो गठन हुआ था आपका 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ, जो राज्य के रूप में बनाया गया या राज्य का दर्जा दिया गया, वो कब दिया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को से राज्य बनाया गया था। देखिए, एक डेट और हमें याद रखनी है यहाँ पर कि भाई जो आपका 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हो गया, इसके जस्ट दो दिन बाद की बात है। कौन सी, कि हमारे भारत में संविधान को भी लागू किया गया था। कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो वही आपका टाइम चल रहा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के गठन की बात करें तो कब किया गया था आपका, वो हुआ था आपका 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, गठन हो गया, राज बन गया, तो इसे फिर इसकी राजधानी किसे बनाया गया, तो लखनऊ को इसकी राजधानी बनाया गया। किसको बनाया गया, तो लखनऊ को। देखिए, लखनऊ आपका बीचों बीच मध्य उत्तर प्रदेश के बीचों बीच आपको यहां पर लखनऊ शहर मिल जाएगा। लखनऊ, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताइए भारत में नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, लखनऊ को। लखनऊ क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब चलिए हम बात करते हैं राजधानी के बाद यहाँ जिलों की संख्या कर लेते हैं। देखिए, राजधानी से पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पर कुछ दो पॉइंट और होते हैं जो आपको जानने होते हैं, जैसे कि यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के कौन, राज्यपाल। तो देखिए, यदि हम बात करें राजधानी के बाद कि यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान यदि हम मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। ये आपके बीजेपी से आते हैं। कौन सी पार्टी से आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के आपके क्या है, सीएम बनाए गए, मुख्यमंत्री बनाए गए। हम बात कर रहे हैं यहाँ के राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल कौन आते हैं आपके, आनंदीबेन पटेल। यह एक महिला है। कौन है आपकी, ये फीमेल है आपकी, आनंदीबेन पटेल। ये कहा वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ के जिलों की। देखिए, हमने क्या देख लिया, यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों को देख लिया है। अब देखेंगे यहाँ पर वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है। तो जिलों की यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो देखिए इसमें कितने जिले हैं, तो टोटल कुल मिलाकर आपके 75 जिले। कितने जिले, 75 जिले। अच्छा, 75 जिले, तो 75 जिलों में विधानसभा सीटें कितनी है। अब देखिए एक चीज को समझना, भारत में आपके कुल मिलाकर 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको द्विसदनात्मक आपको राज्य व्यवस्था मिल जाएगी, यानी कि 2 सदन मिलेंगे। राज्यों के अंदर भी कैसे आपके 2 सदन, और कहीं कहीं आपको 1 सदनात्मक आपको क्या मिल जाएगी, सरकारें मिलेंगी, वो सॉरी राज्य व्यवस्था मिलेगी। तो आपका उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें आपको 2 सदनात्मक राज्य व्यवस्था देखने को मिल जाएगी, प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। तो इसमें विधान मंडल भी है, सॉरी, और साथ में इसमें क्या है, विधान परिषद भी, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों इसमें आप क्या है आपके, दोनों संसद को विधान इसके सदस्य या सरकार के क्या है, हिस्सा है। चलिए हम देखते हैं, तो यहाँ पर आपका विधान परिषद की, सॉरी विधानसभा की सीटों की बात करें तो हम कितनी आएंगी आपकी, 403। कितनी सीटें आपकी, 403 यहाँ पर विधानसभा सीटें। कितनी सीटें, 403। अच्छा, विधानसभा सीट 4 है, तो ये क्यों लिखा है यहाँ पर, तो ये वो लिखा हुआ है जो आपके यहाँ पर एंग्लो इंडियन के लिए छूट दिए जाते हैं, एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व रहते हैं। मतलब कि उत्तर प्रदेश में हम विधानसभा सीटों की बात करें तो कितनी आती है आपकी, 403 आती है, और ये प्लस में एक चलता है जो आपका एंग्लो इंडियन के लिए रहता है। हम बात करें विधान परिषद की, कि यहाँ पर विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो उसमें भी हम देखेंगे तो कितने आते हैं आपके, 99 आते हैं, और एक किस लिए, तो एक इसमें एंग्लो इंडियन के लिए छूटी गई है, यानी कि एक एंग्लो इंडियन द्वारा इसमें भरी जाएगी। ठीक है, हम यदि बात करें यहाँ के जनघनत्व की, देखिए विधानसभा सीटें 403, विधान परिषद सीटें 99। हम बात करें अब वहां के जनघनत्व की, जनघनत्व कितना है,
कहाँ का? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की यदि हम जनघनत्व की बात करते हैं तो जनघनत्व में आपका कितना आ जाएगा? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि आपके उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश राज्य में आपके 829 लोग एक वर्ग किलोमीटर के दायरे में क्या करते हैं? निवास करते हैं या रहवास करते हैं। चलिए अब बात करें हम इसके आगे के लिंगानुपात की। देखिए हमने जनघनत्व देखा, अब इसके बाद देखेंगे लिंगानुपात को। लिंगानुपात की यदि बात करें, सेक्स रेशियो की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 912 कितना है? 912 किस पर है? तो भाई 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं, या आपके 1000 मेल पर कितनी है? तो आपकी 912 फीमेल है। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में। चलिए हम बात करते हैं यहाँ की लिटरेसी दर की, यानी कि यहाँ की साक्षरता दर की हम बात कर लेते हैं। साक्षरता दर में यदि हम बात करें तो यहाँ पर कितने? तो भाई 67% साक्षर। 67% मतलब कि भाई आपके उत्तर प्रदेश में 100 व्यक्तियों में से 67 लोग क्या मिल जाएंगे आपको? व्यक्ति कैसे मिलेंगे? पढ़े लिखे मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अब कुछ अन्य तथ्यों, ये तो हमने देखा ओवरव्यू। अब हम इसकी बात करें इसके कुछ प्रमुख राजकीय चिन्हों के बारे में, राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में, जो आपके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रमुख हो जाते हैं। तो हम बात करें यहाँ के राजकीय चिन्हों में पशु के बारे में, कि यहाँ का वर्तमान राजकीय पशु क्या है आपका? तो क्या है आपका? बारहसिंगा क्या होता है? तो बारहसिंगा आपका एक हिरण की ही प्रजाति है। किसकी प्रजाति? हिरण की, जिसके सर पर जो सींग आते हैं उनमें से क्या होता है, एक सींग में से और अन्य सींग में क्या आ जाते हैं? निकल आते हैं, और कुल मिलाकर 12 या 12 से ज्यादा उसमें सींग निकलते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? बारहसिंगा कहा जाता है। एक हिरण की ही एक प्रजाति होती है। हम बात करें पक्षी की, उत्तर प्रदेश का वर्तमान राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी क्या आ जाता है आपका? सारस या क्रौच आ जाता है। किस क्या बोला जाता है इसको? सारस या क्रौच कहा जाता है। तो राजकीय पक्षी सारस या क्रौच। राजकीय पुष्प की यदि हम बात करें तो पलास क्या आता है? पलास। पलास का यहाँ पर जो पुष्प रहेगा वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प के रूप में क्या किया गया है? मान्यता प्राप्त किए हुए पलास। सभी ने देखा होगा पलास के पुष्प को या पलास के फूल को हम जंगल की आग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल की आग भी कहते हैं। इसे हम देसी भाषा में बात करें तो लोकल भाषा हम इसे क्या बोलते हैं? छोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोला। तो छोले का जो क्या होता है, फूल होता है, उसी को हम पलास कहते हैं। तो आपका पलास का जो पुष्प है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया। हम बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष के बारे में, कि राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक का वृक्ष। कौन सा वृक्ष? अशोक का वृक्ष उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष बनाया गया। हम बात करें यहाँ के राजकीय फल के बारे में, तो राजकीय फल क्या है? आम है। क्या है? आम। आम कहाँ का? उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है? तो आम। हम बात करें उत्तर प्रदेश के नृत्य के बारे में, कि राजकीय नृत्य क्या है? तो नृत्य क्या आता है आपका? कथक आ जाता है। क्या आ जाता है? कथक। कथक नाम सुनते ही और उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही हमें एक व्यक्ति का नाम याद आता है, जिनका नाम है बिरजू महाराज। क्या नाम है? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज आपके कथक के क्या है भाई? तो कथक डांस के सबसे प्रमुख क्या है भाई? एक कथक डांस के डांसर है। मतलब कि कथक जो सबसे प्रमुख कर लेते हैं या निपुण है जो करने वाले हैं, वो बिरजू महाराज जी, जो कहाँ से आते हैं आपके? उत्तर प्रदेश से आते हैं। इनके द्वारा कथक को एक अलग ही लेवल पर ले जाया गया। मतलब कि जो सर्वाधिक कथक डांस ने या कथक नाच ने नृत्य ने ऊंचाइयों को छुआ है, बिरजू महाराज के कारण छुआ है। जो कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश से आते हैं, और कथक आपके उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य भी बनाया गया। हम बात करें राजकीय नदी के बारे में, कि उत्तर प्रदेश की राजकीय नदी क्या है? तो सबके भाई गंगा, यहाँ की राजकीय नदी बनाया गया। अब चलिए ये तो देख लिया हमने ओवरव्यू जो आपके उत्तर प्रदेश के बारे में। अब इसके हम कुछ बेसिक पॉइंट देखते हैं जो इसको एक अलग ही नजरिया देते हैं उत्तर प्रदेश को, जो हमारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि हम बात करें कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी और किस राज्य से आती थी, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सीधा का सीधा जब आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई भारत की पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी कौन से राज्य से थी, तो वो राज्य था आपका कौन सा? उत्तर प्रदेश। देखिए भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। कहां से आती थी? यूपी से आती थी। और हम बात करें कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। कहां से आती थी? यूपी से। ये दोनों महिलाएं आपकी यूपी से आती थी, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट हो जाती है। तो कहां से आई थी? यूपी से ही आती थी। कौन था? देखिए यदि हम मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन थी आपकी? सुचेता कृपलानी। हम राज्यपाल की यदि बात करें तो कौन है आपकी? सरोजनी नायडू। ये दोनों
दोनों के दोनों कहां से आते थे तो भाई उत्तर प्रदेश राज्य से। अब यहां पर हम कुछ ऐसे पॉइंट देख लेते हैं जो आपके कुछ ऐतिहासिक दृश्यों को भी दर्शाते हैं। जब हमारे यहां पर हमारे भारत में 1857 की क्रांति हुई थी तो कुछ ऐसे केंद्र जो आपके उत्तर प्रदेश में स्थापित थे जहां से 1857 की क्रांति ने बहुत ज्यादा जोर पकड़ा था, वो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र या कौन कौन से शहर हुआ करते थे उनको देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें, देखिए 1857 के विद्रोह के केंद्र जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, जैसे कि मेरठ, कौन सा भाई, मेरठ। मेरठ में आपके जो विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व करता थे कौन, तो कदम सिंह। देखिए उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो आपके 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम कदम सिंह हुआ करता था। दूसरा यदि हम बात करें लखनऊ की, किसकी बात करें, लखनऊ की। देखिए पहला मेरठ, दूसरा लखनऊ। तो लखनऊ में जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का वो किया था हजरत महल, यानी कि बेगम हजरत महल। किसने किया था, बेगम हजरत महल द्वारा इस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया गया था और इस क्रांति के लीडरशिप के रूप में लखनऊ के क्षेत्र से क्या किया गया था, इन्होंने नेतृत्व किया था। हम बात करें और शहर जैसे कि कानपुर, कौन सा, कानपुर। कानपुर से किसने किया था, तो नाना साहब द्वारा इसमें नेतृत्व किया गया था। हम बात करें बरेली की, इसकी बरेली की, तो बरेली का जो क्षेत्र था वहां से कौन इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो खान बहादुर। ये प्रमुख चार केंद्र जो आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हो जाते हैं। कभी कभी इससे क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए आपके लखनऊ से, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से नेतृत्व करने वाले, यानी 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस शासक द्वारा, किस व्यक्ति द्वारा किया गया था, तो कौन है आपके लखनऊ से, बेगम हजरत महल। कौन हुआ करती थी, बेगम हजरत महल। और यदि हम बात करें कहां का, तो कानपुर, तो कानपुर में से किसने किया था, तो नाना साहब ने। किसने किया था, नाना साहब। नाना साहब के साथ एक नाम और जुड़ा रहता है जिनका नाम है तात्या टोपे। क्या नाम है, तात्या टोपे। इन दोनों का नाम हमें जो मिल जाता है कहां से, तो कानपुर से। आइए चलिए हम देखते हैं कुछ और अन्य चीजों को, और अन्य पॉइंटों को जो आपके उत्तर प्रदेश से हमारी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में कि भाई उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी नदियां हैं जो निकलती हैं या बहती हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे गंगा नदी को। किसकी नदी, कौन नदी को, गंगा नदी को। गंगा नदी आपकी उत्तर प्रदेश के लगभग बहुत सारे हिस्से से बहती है और सबसे बड़ा नदी तंत्र है। क्या है आपका, सबसे बड़ा नदी तंत्र उत्तर प्रदेश का। देखिए हम ऐसी बात करें कि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र किसका है, तो वो यमुना नदी का आता है। कौन सी नदी का आता है, यमुना नदी का। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की नदी तंत्र का बात करें तो हमारी सर्वाधिक जो नदियां जो मिलती है वो किसमें मिलती है आपकी, किसमें मिल जाती है आपकी, गंगा नदी में। क्योंकि यमुना नदी भी कहां मिलके जाती है आपकी, गंगा नदी में। कहां मिलती है, तो ये कहां मिलती है, प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है। चलिए हम बात करते हैं दूसरी नदी, तो वो है आपकी यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी। यमुना नदी आपके भारत की सर्वाधिक सबसे बड़े नदी तंत्र का हिस्सा है, यानी कि सर्वाधिक जो नदी तंत्र या सबसे बड़ा नदी तंत्र किसी नदी का है भारत में, तो वो कौन सी आपकी, वो है आपकी यमुना नदी। हम बात करते हैं गोमती नदी। कौन सी नदी, गोमती नदी। गोमती नदी के लिए एक क्वेश्चन और बनता है क्योंकि गोमती नदी के किनारे ही आपका कौन सा शहर बसा हुआ है, लखनऊ बसा हुआ है। तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कौन से शहर के किनारे, उस कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, वही ये बसा हुआ है आपका गोमती नदी के किनारे। हम बात करें अलकनंदा की, यह नदी भी आपकी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी हो जाती है, तमसा नदी। हम बात करते हैं अगली नदी जो है आपकी सरयू नदी। कौन सी नदी, सरयू या सरजू नदी, इसी को क्या बोला जाता है, सरयू या सरजू नदी। इस नदी का बहुत बड़ा महत्व है हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार और हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, क्योंकि हमारे भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या इसी नदी के किनारे बसी हुई है। तो इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि इससे कौन, इसके किनारे बसी हुई कौन सी नदी है, सॉरी सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो कौन सा बसा हुआ है आपका, अयोध्या। अयोध्या शहर या अयोध्या नगरी आपकी सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। अगली नदी जो हम देखेंगे वो है आपकी हिंड और आपकी बैतवा। ये प्रमुख नदियां आपकी उत्तर प्रदेश से निकलने वाली नदियां हो जाती हैं। अब देखिए हम बात करते हैं नदियों के बाद आपके प्रमुख मंदिरों के बारे में कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में तो देखिए सबसे पहला जो मंदिर जो हम सब लोग जानते हैं, राम मंदिर अयोध्या का, जहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर बनाया गया है और अब बनने वाला है, बहुत ही भव्य तरीके से मंदिर बन रहा है, जो आपका 22 जनवरी को यहाँ पर क्या करने वाले हैं, उद्घाटन होने वाला। उस मंदिर को क्या करने वाले हैं, सभी लोग उद्घाटन करके इसमें पूजा अर्चना और भगवान रामचंद्र जी को विराजमान करेंगे। तो अयोध्या में सर्वाधिक जो सबसे लोकप्रिय मंदिर है, सॉरी उत्तर प्रदेश का जो सबसे लोकप्रिय मंदिर निकल के आएगा वो कौन सा निकलना है, वो आपका राम मंदिर। राम मंदिर कहाँ पड़ता है आपका, पहला जो मंदिर है वो राम मंदिर, वो कहाँ पड़ेगा आपका, अयोध्या। दूसरी की बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर।
काशी विश्वनाथ मंदिर सभी को याद होगा, सभी जानते होंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में। बाबा भगवान शिव जी का मंदिर है, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है और कहते हैं कि काशी में ही भगवान शिव जी विराजमान है और यहीं पर वो रहते हैं। और इनके द्वारा काशी में बहुत ऐसी मान्यताएं विकसित की गई हैं जहां पर कहा गया है कि काशी में जो आपका घाट है, कौन सा घाट है, मणिकर्ण का घाट, कौन सा घाट है, काशी वाराणसी, आप बनारस उसका एक ही नाम मिलता है अपने को देखने के लिए, तो काशी बोल दो, बनारस बोल दो, वाराणसी बोल दो, एक ही है। वहां पर जो आपका काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसके पास में आपको एक आपके गंगा नदी के किनारे कौन सा मणिकर्ण का घाट मिल जाएगा। मणिकर्ण का घाट आपका जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर जाना जाता है आपका अंतिम संस्कार के लिए। जितने भी यहाँ पर क्या होते हैं लोग बाग मरते हैं, तो सब ज्यादातर व्यक्तियों की इच्छा होती है कि ये कहाँ पर जब इनकी मृत्यु हो जाए तो इनके पार्थिव शरीर को मणिकर्ण का घाट पर जलाया जाए। ऐसा मानना है कि इस घाट पर जो व्यक्ति को जलाया जाता है उसको डायरेक्ट सीधा का सीधा क्या मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। और ये भगवान शिव जी की नगरी। और मणिकर्ण का घाट का एक और महत्व है यहाँ पर, क्या महत्व है कि यहाँ पर कभी भी चिता शांत नहीं होती, ऐसी भी मान्यता है। जो कहाँ पड़ता है आपका विश्वनाथ काशी मंदिर, या काशी विश्वनाथ मंदिर के पीछे वाले हिस्से में आपको देखने को मिल जाएगा, जो गंगा नदी के किनारे पड़ता है। चलिए हम बात करते हैं और अन्य मंदिरों की। तो देखिए आपका प्रमुख मंदिर जो दूसरा मंदिर है वो कौन सा है आपका, तो काशी विश्वनाथ मंदिर। उसके बाद हम देखेंगे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर नाम सुनते ही सभी लोग मन में बिल्कुल एकदम से रसगुल्ले फूट गए होंगे कि हाँ भाई प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर दरअसल आपका कहाँ पड़ता है, तो वृंदावन में पड़ता है। वृंदावन में आपका भगवान श्री कृष्ण और राधा के स्वरूप को इस मंदिर में विराजमान किया गया है और यहाँ पर प्रेम मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो भी प्रेमी और प्रेमिकाएं होते हैं अपने प्रेम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर जरूर जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा मंदिर है आपका, प्रेम मंदिर, कहाँ पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में पड़ जाएगा। अगला देखेंगे बटुकेश्वर मंदिर, कौन सा है आपका, बटुकेश्वर मंदिर। ये आपका आगरा में देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, आगरा में। और अगला जो मंदिर हम देखेंगे वो है आपका गोरखनाथ मंदिर और आपका द्वारकाधीश मंदिर। ये आपका मथुरा में देखने को मिलेगा, द्वारकाधीश मंदिर। और ये आपका गोरखनाथ मंदिर भी आपको कहाँ मिलेगा, तो काशी वाराणसी में ही देखने को मिल जाता है। तो ये प्रमुख मंदिर जो आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर माने जाते हैं, जो आपके एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो उनसे भी अपने को परिचित रहना। और सारे मंदिर हम यहाँ पर देख चुके। अब देखिए यदि हम बात करें यहाँ के और अन्य चीजों की, जैसे कि यहाँ के लोक नृत्य के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो लोक नृत्यों में यदि हम चर्चा करें तो जोगनी, जोगन तेरा मारा रसिया, दिल हारा जग जीता रसिया, यही वाला वो जोगनी गीत है, वो जोगनी नृत्य है जो लोग बाग उत्तर प्रदेश से बड़े ही उत्साह से करते हैं। कौन सा है आपका, तो जोगनी नृत्य। दूसरा है आपका धोबिया, कौन सा है, धोबिया। तीसरा है आपका ख्याल नृत्य। ख्याल हम सभी ने सुना होगा, हमारे बुंदेलखंड में भी ये ख्याल बहुत ज्यादा फेमस है आपका, कौन सा, ख्याल। उसके बाद देखेंगे रास, कौन सा, रास। रास दरअसल रास लीला के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, रास लीला के नाम से जाना जाता है। और देखेंगे राय, कौन सा, राय। राय के बाद देखेंगे रामलीला, उसके बाद देखेंगे कर्मा और नटबरी। आपके प्रमुख सबसे जो लोक नृत्य जो सबसे ज्यादा मोस्ट हो जाते हैं एग्जाम के लिए, वो आपका हो जाता है जोगनी, वो हो जाता है आपका राय, वो हो जाता है आपका ख्याल और आपका कौन सा, नटबरी, ये प्रमुख। और हाँ एक बात और, आपका रामलीला, इससे भी क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं कि रामलीला लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य से, आपके उत्तर प्रदेश से। किस राज्य से संबंधित है आपका, उत्तर प्रदेश से। चलिए हम बात करते हैं आप लोक नृत्य के बाद आपके लोक गीतों की, लोकगीतों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहला जो लोकगीत देखेंगे वो है आपका रसिया, कौन सा है आपका, रसिया। दूसरा है आपका कौन सा, बिरह। रसिया आपका एक काल्पनिक और एक आपका बोलते हैं कि वो हास्य गीत होता है, जो लोग बाग आपके उत्तर प्रदेश में हास्य गीत के तौर पर गाते हैं। और दूसरा है आपका बिरह, बिरह आपका एक ब्रह गीत होता है, जिसमें क्या होता है किसी भी प्रकार से जब जब लोग बागों के रूप में या लोग बागों के मन में ब्रह उत्पन्न होता है, उस आधार पर इस गीत को गाया जाता है। और ये उत्तर प्रदेश का एक लोकल गीत है और वहां के लोग बाग इसे बहुत खूबी बखूबी ढंग से गाया करते हैं। और आगे देखेंगे कजरी गीत, कजरी गीत दरअसल यहाँ पर गाया जाने वाला बरसात का गीत होता है, कौन सा गीत होता है, बरसात का। और हम बात करें आल्हा गीत और फिर बात करें कि चैत्री, आपका आल्हा और चैत्री ये भी आपके यहाँ के क्या हो जाते हैं, प्रमुख गीत हो जाते हैं। आल्हा आपका महोबा के क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रमुख गीत हो जाता है, जो पीर रस में गाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ और अन्य चीजों की, जैसे कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
यदि हम बांधों की चर्चा करें, बांध कहाँ कहाँ है और कौन कौन सा मुख हो जाता है, तो सबसे पहले माता टीला बांध, कौन सा बांध, माता टीला बांध, दूसरा आपका रिहंद बांध, तीसरा आपका राजघाट बांध, चौथा आपका हनौती बांध और पांचवा आपका गोविंद सागर बांध। ये प्रमुख बांध आपके पांच बांध हैं जो आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध हो जाते हैं और एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपका माता टीला बांध और रिहंद बांध और आपका कौन सा हनौती बांध, इन तीनों से हमेशा क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाते हैं। अब चलिए अब देखते हैं, हम देखिए ये हमने पूरा का पूरा इसमें लिखे हुए जितने भी पॉइंट थे आपके वो सारे हम देख चुके हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर है वो कौन कौन देश को, कौन कौन राज्य को और कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश के साथ क्या होती है, मिलती है या लगती है। तो हम यदि यहाँ पर बात करेंगे कि आपका उत्तर प्रदेश का जो सीमा छूती है वो यहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड से, किससे छूएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यूपी यानी उत्तराखंड, यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद यदि हम बात करें तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा हरियाणा, हरियाणा के बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक केंद्र शासित देखने को मिलेगा जिसका नाम है दिल्ली, क्या नाम है, दिल्ली। तो दिल्ली वाला क्षेत्र भी आपका या दिल्ली की सीमा भी आपके उत्तर प्रदेश से क्या करती है, लगती रहती है। हम बात करें कि यहाँ पर एक राज्य और आपका जो है कौन सा, राजस्थान यानी आरजे, हम बात करें यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश, कौन सा मिल जाएगा, मध्य प्रदेश, इधर भी आपको कौन सा मिलेगा तो मध्य प्रदेश मिल जाएगा। हम बात करें यहाँ पर तो आपको इधर मिलेगा छत्तीसगढ़, कौन सा मिल जाएगा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के ही पास में आपको मिल जाएगा झारखंड, कौन सा मिल जाएगा, झारखंड। हम बात करें झारखंड के बाद जो आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार, कौन सा मिल जाएगा, बिहार। ये देखिए हमने इतने सारे राज्य देखे हैं, देखिए एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और आपके अन्य राज्य एक देश के साथ भी सीमा को साझा करता है जिसका नाम है नेपाल, कौन सा, नेपाल, नेपाल के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है या बाउंड्री बनाता है नेपाल, ठीक है। देखिए अब देखिए अब देखते हैं कितने राज्य हो गए आपके, तो देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ तो ये राज्य है, लेकिन देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ राज्यों के साथ, कितने राज्यों के साथ, आठ राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, एक देश के साथ, एक देश के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ, इतने क्षेत्रों के साथ, इतने राज्यों के साथ, इतने जगहों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शहरों को भी देख लेते हैं, कुछ प्रमुख क्षेत्रों को भी नजर में देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें लखनऊ, लखनऊ आपका इधर पड़ जाएगा। हम बात करें उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर जो आपका प्रयागराज, कौन सा, प्रयागराज, आपको इधर देखने को मिल जाएगा प्रयागराज, या आपका इलाहाबाद, कौन सा शहर, इलाहाबाद, इलाहाबाद इधर देखने को मिल जाएगा। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का एक और शहर जो आपका झांसी, कौन सा, झांसी, इधर देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर जिसका नाम है आगरा, इधर देखने को मिल जाएगा, इधर ही आपको मिलेगा मथुरा, कौन सा मिल जाएगा, मथुरा। दिल्ली के पास में आप जाओगे तो यहां पर आपको एक शहर मिलेगा, एक जगह मिलेगी जिसका नाम है नोएडा, नोएडा के ऊपर जाएंगे तो इधर मिलेगा आपको गाजियाबाद, गाजियाबाद के पास में यदि हम देखेंगे तो यहां आपको देखने को मिलेगा एक शहर जिसका नाम है क्या, मेरठ, मेरठ के पास में यदि हम, हाँ हम इधर जाएंगे तो इधर आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम क्या है, श्रावस्ती, क्या नाम है, श्रावस्ती, नहीं नहीं देखिए इधर श्रावस्ती नहीं है, मेरठ के नीचे आपको एक जगह और मिलेगी जिसका नाम है अलीगढ़, अलीगढ़ का नाम सभी ने सुना होगा, अलीगढ़ आपका जाना जाता है तालों के लिए, ताले फैक्ट्री के लिए अलीगढ़ जाना जाता है, गाना भी बना है इस पर माता जी के ऊपर, हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला, वो यही अलीगढ़ है आपका, कौन सा, तो यही वाला आपका अलीगढ़ देखने को मिल जाता है। अलीगढ़ के बाद देखेंगे, देखिए जो मेरठ आपका रहेगा इधर रहेगा आपका मेरठ, मेरठ
गाजियाबाद। अब देखिए और शहरों की यदि हम बात कर रहे हैं और जगहों की बात करें तो आपको देखिए इधर ही आपको एक जगह और मिल जाएगी देखने के लिए जो रहेगी आपकी श्रावस्ती। कौन सी रहेगी? श्रावस्ती। श्रावस्ती, श्रावस्ती किस किस को पता है कि श्रावस्ती किस लिए? देखिए आप लोग वीडियो में आप लास्ट में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि श्रावस्ती किस धर्म का प्रमुख क्षेत्र या किस धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल हुआ करता था, ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, ये हम आपको नहीं बताएंगे। आप जब वीडियो देखने के बाद लास्ट में जब देखोगे तो उसमें आप श्रावस्ती के बारे में बताओगे, पूरी डिटेल बताओगे कि श्रावस्ती उस समय या अपने समय पर किस धर्म का प्रमुख केंद्र बिंदु हुआ करता था। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा क्या? श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद हम देखेंगे और अन्य जगहों को, तो आपको इधर देखने को मिलेगा ये गोरखपुर। गोरखपुर क्या मिल जाएगा? गोरखपुर। अब देखिए हम बात करेंगे एक और शहर की, एक और जगह की जो आपका इधर पड़ेगा जिसका नाम है कानपुर। कानपुर, कानपुर के नीचे अगर हम इधर जाएंगे तो इधर आपको मिलेगा महोबा। इधर आप जाओगे तो इधर मिलेगा आपको चित्रकूट। देखिए आपने इतने सारे शहर, इतने सारे जगह देख लिए। अब देखिए हम बात करेंगे आपके आगरा की, तो आगरा में सबसे फेमस चीज जो आपको देखने को मिलती है वो क्या मिलती है? तो आगरा का ताजमहल। तो आगरा में आपको आगरा का ताजमहल भी देखने को मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आप देखोगे इन सारे जगहों को और इन जगहों में आपके एग्जाम की दृष्टि से कितने पॉइंट बन सकते हैं, क्या क्या यहाँ से निकल के आ सकता है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही और हमें कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कि आखिरकार आपके श्रावस्ती किस धर्म के लिए जाना जाता था। और आप सभी लोगों को एक सूचना और मैं देना चाहूंगा कि आपके जो मैं यहाँ पर वीडियो डालता हूँ उन सबकी जो पीडीएफ रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक आपको मैं अपने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक कर दूंगा, पिन कर दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहां से आप सारी की सारी वीडियो निकाल सकते हैं, पीडीएफ निकाल सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।